पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के हाथ बीजेपी को मिली करारी हार के बाद से प्रदेश नेतृत्व में तकरार छिड़ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेघालय तथा त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, शिव प्रकाश, अरविंद मेनन और प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सहित बीजेपी के अन्य नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठाए हैं। तथागत रॉय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है, उसे देखते हुए अगर पार्टी में बड़े बदलाव नहीं किए गए तो जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं वो भी पार्टी का साथ छोड़ देंगे और ये पश्चिम बंगाल में पार्टी का अंत होगा। उन्होंने कहा है कि मैं इस हार के लिए केंद्र सरकार को दोष नहीं देता। वहीं आपको बता दें 1.3 अरब वाले देश में केंद्रीय नेतृत्व जो भी आदेश देता है उसे राज्य में मौजूदा नेता ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बंगाल में मौजूदा पार्टी के नेताओं को कुछ पता नहीं है। अब मैं आपको राज्य में बीजेपी के पिछड़ेपन के दो कारण बता रहा हूँ। पहला, तृणमूल से आया हुआ कचरा जिसने बीजेपी का दामन थामा। जो कार्यकर्ता 1980 से पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं उन्हें तृणमूल के हाथों उत्पीड़न झेलना पड़ रहा था, लेकिन KDSA उनके बचाव में नहीं गए, उन्हें वापस लड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया गया। इसके बजाय वे तृणमूल से आने वाले कचरे के टिकट बांटने और 7 सितारा होटलों से आराम से फरमाने की कोशिश करते रहे हैं। वहीं अब पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि बंगाल में तूफान शांत हो जाएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।